आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भाजपा एमएलसी प्रत्याशी नैनेश्वर महात्रे को कोकण से भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी दी गई है। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मंत्री उदय सामंत द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि भाजपा और शिंदे गुट द्वारा नैनेश्वर महात्रे को भाजपा के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी घोषित किया गया है और कहा कि इस चुनाव में हमारी जीत पक्की है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष कितना भी कह ले सरकार गिरेगी नहीं, चाहे तो चुनाव करवा लो, किसकी क्या हैसियत है पता चल जाएगा। और शिवसेना के मुखपत्र सामना के विरोध में कहा कि ये रोजाना गंदी राजनीति करते हैं और हमने भाजपा प्रत्याशी नैनेश्वर महात्रे से बात की और जाना वो जीतने के बाद क्या कुछ अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। देखिए मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट। देखिए एकनाथ शिंदे जी राज्य के नेता है और देवेंद्र जी एकनाथ जी के समन्वय से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने माननीय ज्ञानेश्वर महात्रे जी को भारतीय जनता पार्टी शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए मंजूरी दी है। वैसे ही अमरावती में इसके पहले ही रंजीत पाटिल जी को मंजूरी दी गई थी, उसके साथ ही मराठवाड़ा में किरण पाटिल को मंजूरी दी है, वो एकनाथ जी देवेंद्र जी के समन्वय से। अब नासिक और एक पूर्व नागपुर की जगह है उसको भी जल्दी निर्णय होगा। आज ज्ञानेश्वर महात्रे जी कोकण से हमारे उम्मीदवार होंगे। देखिए शरद पवार साहब को तो ये बात बोलना जस्ती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय के बाद माननीय अमित भाई माननीय मोदी जी ने और वहाँ के विश्वस्त मंडल ने जिस प्रकार से सरकार और वहाँ जो हमारी विश्वस्त मंडल है इन्होंने मिलके इस देश के लिए 500 साल से जो इंतजार था राम मंदिर का, वो इतना बड़ा सपना देश का साकार हो रहा है। सरकार भी साथ में काम कर रही है, वहाँ विश्वस्त मंडल भी काम कर रहा है, तो सरकार को अधिकार नहीं है। पवार साहब आपने कभी जीवन में हिंदुस्तान के हिंदू मन की बात देखी नहीं है क्या थी? वो अमित भाई ने देखी है, वो मोदी जी ने देखी है। मोदी जी ने समझा हिंदुत्व क्या होता है, माननीय अमित भाई ने समझा है, माननीय देवेंद्र जी और एकनाथ जी ने समझा है। इसलिए मुझे लगता है पवार साहब को अभी बहुत अभी फ्रस्ट्रेशन में वो बात बोली होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को यदि देवता बना देंगे तो तानाशाही बजाएगा। तो तुम्हें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ऐसे बैटिंग करने वाली है कि 51% की लड़ाई जीत के महाराष्ट्र में 200+ सीट लाएंगे और दिल्ली में 45 सीट हम लाएंगे, लोकसभा में लाएंगे। सचिन जी उम्मीदवार आमचे मित्र मात्र यांना जाहीर केलेला आहे आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा इतिहास देखील आपल्याला सांगितलंय की भाजप आणि शिवसेना त्यांनी 7,000 पैकी 4,000 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीचे सरपंच हे महाराष्ट्रामध्ये बसवलेले आहेत। मला असं वाटतं की काही लोक कोकणचा उल्लेख हा एका विशिष्ट पक्षाचा बालेकिल्ला म्हणून करतात, पण आज मी स्वतः प्रेस कॉन्फरन्सला उपस्थित आहेत, रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, आमचे सर्वच सहकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी खात्रीलायक आपल्याला सांगतो की इथे मात्रेंची जागा देखील फार मोठ्या मताधिक्यानं निवडून येईल आणि मात्रे हे विधान परिषदेचे सदस्य झालेले आपल्याला दिसतील। आम्ही सगळे एक मतानं एक दिलानं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं प्रचार करून आमचे कार्यकर्ते देखील प्रचार करतील दोन्ही संघटनांचे आणि मात्रेंचा विजय हा निश्चित करतील आणि म्हणून आजच त्यांना मी विजयाच्या शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा कोकण के लिए एक उम्मीदवार चुना गया है। मैं आपसे उनसे बात करवाऊंगा। ज्ञानेश्वर जी इस समय मेरे साथ में है। ज्ञानेश्वर जी आपको उम्मीदवारी दी गई है, इससे पहले क्या किसी पार्टी से आप कनेक्टेड थे? मैं महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ का उपाध्यक्ष हूँ और टीचरों के लिए मुख्याध्यापकों के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आज तक मैंने बहुत सारा काम किया है। इससे पहले भी मैं 2017 में उम्मीदवार था, तभी शिवसेना से मैं उम्मीदवार था, लेकिन अभी माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब इन्होंने मुझे युति से कैंडिडेट
आज कोकण विभाग के लिए चुनाव लड़ने के लिए परमिशन दिए और मुझे आज यहाँ पे घोषित भी किया है। मुझे बहुत सारे टीचरों का काम करना है, स्टूडेंटों को काम करना है और बहुत सारी समस्या है टीचरों की, उनको हल करने के लिए विधान परिषद में जाना है। सर मैं अगर ज्ञानेश्वर जी जानना चाहूँ कि जीत को लेकर के क्या मंत्र है आपके पास और क्या कुछ आपने सोच रखा है, क्या आपके मन में ये विचार है कि जीत निश्चित ही आपकी जीत होनी है? मैंने 6 सालों से आज तक 8 से 10 हज़ार लोगों का काम किया है और एक दिन भी रुका नहीं। जिस समय इलेक्शन हुआ 2017 में, उस समय मैं 2 नंबर स्थान पे था, उस दिन से मैं हारा हूँ ऐसा मैंने माना नहीं। उस दिन से मैं ज़्यादा उम्मीद से मैंने आज तक काम किया है और अभी कोकण विभाग में जितने भी कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट में मैं अकेला अभी तक प्रचार करने वाला कैंडिडेट, अकेला कैंडिडेट में टीचर हूँ और जो विद्यमान आमदार है वो टीचर नहीं है। MLC के चुनाव के लिए जिस तरीके से आपको नामांकित किया गया, सर मैं ये जानना चाहता हूँ चुनाव के बाद में क्या कुछ आपका जो काम करने की रणनीति क्या होगी, कि क्या कुछ आपने सोच रखी है कि आप अपने क्षेत्र में या लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? बहुत सारी समस्याएं टीचरों की, एक तो अनुदान है, पुरानी पेंशन है, जूनियर कॉलेज के टीचरों का 1200 पदों का समायोजन है, अर्धविल टीचरों को पूरा करना है और सेवा संरक्षण है, जो हमको शिक्षकेतर काम दिए जाते हैं यानी BOLO के काम वगैरह दिए जाते हैं वो बहुत परेशानी है, और बहुत सारे बच्चों की जो शिष्यवृत्ति है और उसके साथ साथ उनके जो करिकुलम जो अभ्यासक्रम है उसमें अच्छे तरह बदलाव लाना चाहिए और आगे चल के हमारा देश का फ्यूचर जो बच्चा है, हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाला हमारा जो टीचर है वो आनंद से बच्चों को पढ़ा सके, ऐसा काम करने के लिए उनको अच्छा एक वातावरण निर्मित करने की कोशिश मेरी रहेगी। आपने सुना, ये थे ज्ञानेश्वर जी जो के पेशे से एक शिक्षक हैं और ये चुनाव की रणभूमि पर उतर रहे हैं और इन्हें पूरा यकीन है कि ये जीत कर आएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भाजपा के AB फॉर्म से ये पर्चा भर रहे हैं और उसी से जो है चुनाव लड़ेंगे और आगे चलकर उन्होंने उनकी जो रणनीतियाँ होंगी उसके बारे में भी उन्होंने बताया। अब देखना ये होगा अनकरीब ही चुनाव होने हैं 3 महाराष्ट्र के 3 राज्यों में और किस तरीके के चुनाव नतीजे आते हैं ये समय बताएगा। कैमरा मैन साठवीलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।